हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर से रिलेटेड, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया आपको व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच मियोसिस टू। ओके, इन ईच मियोसिस टू प्रोडक्ट, मतलब मियोसिस टू के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है इफ द मदर सेल हैज़। ओके, मियोसिस टू के जो प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर क्या मिलता है। ओके, मियोसिस टू के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, मियोसिस टू के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या मिल रहा है आपको, कितना पिकोग्राम डीएनए मिल सकता है। ओके, मतलब यहाँ पे दिया है उन्होंने व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस टू, मियोसिस टू। ओके, मियोसिस टू कब हो रहा है, मियोसिस टू। ओके, मियोसिस टू कब होता है, मियोसिस वन के बाद होता है ना, मियोसिस वन के बाद मियोसिस टू होता है। ओके, तो उन्होंने पूछा है कि मियोसिस टू के अंदर, मियोसिस टू के अंदर जो प्रोडक्ट है ओके क्या मिलेगा अगर मदर सेल के अंदर 40 पिकोग्राम डीएनए है, कहाँ पे, जी टू फेस में। तो आपको पता है जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल, उस सेल साइकिल में ओके इस सेल साइकिल के अंदर क्या होता है। ओके, सेल साइकिल क्या कहता है, अलग अलग फेस होते हैं, कौन कौन से, एम फेस, देन जी वन फेस, देन यस फेस, देन जी टू फेस, ऐसे फेस होते हैं ना। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है ये है जी वन, ये है यस, ये है जी टू। तो उन्होंने जी टू फेस के अंदर दिया है आपको 40 पिकोग्राम है क्या डीएनए का अमाउंट। तो उन्होंने पूछा है मियोसिस टू के बाद क्या होगा। आपको मैं बता दूँ क्या होता है जनरली मियोसिस में, मियोसिस में ओके जब अनाफेस वन होता है, ध्यान से सुनो, मतलब यहाँ पे मियोसाइट सेल के अंदर कितना था, मियोसाइट सेल के अंदर जो डीएनए का कंपोजिशन था वो था 40 पिकोग्राम, कब, जी टू फेस में, कब, जी टू फेस में। ओके, तो आपको पता है मियोसाइट से क्या होता है, फिर बाद में मियोसिस वन होता है ना, मियोसिस वन होता है, और उसमें जो अनाफेस वन होता है मियोसिस वन में, मियोसिस वन में जो अनाफेस वन होता है ओके क्या होता है, अनाफेस वन होता है, वहाँ पे क्या होता है 4C का 2C होता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे 4C का 2C हो रहा है, मतलब जो डॉटर सेल बन रहे हैं ना, जो डॉटर सेल बनते हैं कहाँ पे, मियो अनाफेस टू में जो डॉटर सेल बनते हैं उसके अंदर डीएनए का कंपोजिशन क्या होगा, दैट इज़ 2C 2C होगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे 20 पिकोग्राम हो गया ना, 20 पिकोग्राम होता है। और आफ्टर मियोसिस टू, आफ्टर मियोसिस टू, मियोसिस वन में क्या हो गया यहाँ पे 20 पिकोग्राम हो गया ना, 20 पिकोग्राम होता है। और मियोसिस टू में क्या होता है, फिर कितने डॉटर सेल बनते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉटर सेल बनते हैं। और यहाँ पे मैं और रिपीट कर रहा हूँ, मियोसिस टू का प्रोडक्ट बोला है उन्होंने, मतलब मियोसिस टू के एंड में, तो मियोसिस टू में क्या होता है, और आपको पता होगा शायद अनाफेस जो टू होती है वहाँ पे क्या होता है 2C का C हो जाता है। मतलब मियोसिस वन में क्या हुआ 4C का 2C हुआ, और मियोसिस टू में क्या हुआ 2C का सी हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 10, 10, 10 और 10 क्या हो रहा है पिकोग्राम। मतलब फाइनली क्या हो रहा है, फिर 10 पिकोग्राम क्या है ईच सेल के अंदर। ओके, अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच, हर एक सेल के अंदर जो है, हर एक सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए मिल रहा है आपको, दैट इज़ कितना मिल रहा है, दैट मीन्स दैट इज 10 पिकोग्राम मिल रहा है। सो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 10 पिकोग्राम आएगा। ओके, कब, आफ्टर मियोसिस टू, मियोसिस टू के एंड में जो डीएनए का अमाउंट आएगा दैट इज़ 10 पिकोग्राम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।